हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आ सके। आज मैं आपको बताऊंगा एलिवेटर यानी कि लिफ्ट सेफ्टी के बारे में कि जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं या लिफ्ट से उतरते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देख रहे हैं लिफ्ट का, बिल्डिंग मैनेजमेंट की या फिर जो भी टीम वहाँ पर लिफ्ट का मेंटेनेंस देख रही है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार एंड आई एम ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं। पहला नंबर है कि जब भी आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो ध्यान रखें अपने स्टेप को कि आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लिफ्ट आके रुकती है फ्लोर के ऊपर तो अप एंड डाउन उसका लेवल होता है और अगर डाउन है या अप है तो आपको ठोकर लग सकती है या झटका लग सकता है जिससे कि आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप लिफ्ट में चढ़ जाते हैं तो आप जो हैंडरेल अगर लिफ्ट के अंदर है तो हैंडरेल को पकड़ के रखें, क्योंकि जब लिफ्ट चलती है तो झटका लगता है और आप गिर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों जब भी आप लिफ्ट में चढ़ते हो तो दरवाजे से हट के खड़े हों। पॉइंट नंबर 4 है कि अगर आप लिफ्ट के अंदर फंस गए हैं तो शांत रहें, पैनिक ना हो बिल्कुल भी, और वहाँ पे जो इमरजेंसी बटन है लिफ्ट के अंदर उसको दबाएं, अलार्म बटन है उसको दबाएं जिससे कि ग्राउंड फ्लोर पे जो भी टीम है, मेंटेनेंस की टीम है या आपके लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे, वो आके रेस्क्यू करें और आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, 5वां पॉइंट है कि जब भी लिफ्ट किसी भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के कारण रुक जाती है बीच में तो खुद भी शांत रहें, साथ में जो आपके साथ है, हो सकता है वो पैनिक हो रहे हों, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, अगर आप पैनिक होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनको भी शांत करें ताकि वो शोर ना मचाए और कोई प्रॉब्लम, दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए उनको। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है कि अगर बीच में लिफ्ट रुक जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो, तो आप लिफ्ट के अंदर ही रहें और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है दरवाजे को फोर्सफुली ओपन करके तो उसको रोकें, क्योंकि यू आर सेफ इन द लिफ्ट। बाहर टीम कोशिश कर रही है आपको निकालने के लिए और आप इंतज़ार करें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं करना है लिफ्ट में जब आप लिफ्ट यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट है कि जब आप लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसको ओवरलोड बिल्कुल भी ना करें और वेट करें अगले आने वाली लिफ्ट का, क्योंकि जब ओवरलोड होती है लिफ्ट तो कई बार लिफ्ट में ऑप्शन होता है कि वो बजर देने लगती है और उसका डोर या फिर उसका डोर बंद ना हो और आप वेट करें। पॉइंट नंबर 2 है कि जब कोई इमरजेंसी होती है, फायर इमरजेंसी खासकर, तो आप लिफ्ट को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है फायर सेफ्टी के बारे में, आप ऊपर आई बटन में ये देख सकते हैं कि हमें इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, दोस्तों कई बार लिफ्ट के अंदर जब टीनेजर्स या बच्चे चढ़ते हैं तो कई बार उछल कूद मचाते हैं लिफ्ट के अंदर, जो कि ठीक नहीं है। अगर उछल कूद मचाओगे वहाँ पे तो लिफ्ट में जर्क के कारण बीच में लिफ्ट फंस सकती है और आपको चोट लग सकती है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों लिफ्ट के अंदर जब आप खड़े हैं तो किसी को भी डोर की तरफ धक्का ना दें, क्योंकि डोर का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर किसी को आपने धक्का दिया तो दरवाज़ा टूट भी सकता है, उसको चोट लग सकती है और एक हादसा हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर, किसी ने आपको इशारा कर दिया, कोई आ रहा है दूर से, तो आप हाथ के द्वारा या पैर के द्वारा या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दरवाजे को ओपन रखने की कोशिश ना करें, इससे हादसा हो सकता है। अगर आपको दरवाज़ा कुछ सेकंड के लिए रोक के रखना है तो अंदर बटन होता है उसको आप प्रेस करें और उसके द्वारा ही आप दरवाजे को खुला रखें। तो दोस्तों, ये थे डू एंड डोंट्स लिफ्ट यूज़ करने के। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट टीम है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जब भी लिफ्ट इंस्टॉलेशन होता है किसी भी बिल्डिंग में या ऑफिस प्रमाइसिस में जो बन रहा होता है, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है कि किस तरीके से, कितनी बड़ी बिल्डिंग है वो, कितने फ्लोर्स हैं उसमें, कितने एम्प्लॉयज़ या फिर रेजिडेंट वहाँ पर रहेंगे उन फ्लैट्स में, तो पहला क्राइटेरिया था। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि किस साइज़ की लिफ्ट लगेगी वहाँ पे और किस स्पीड से चलने वाली लिफ्ट को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि पीरियोडिकली लाइसेंस्ड ऐसे एजेंसी से जो मेंटेनेंस है लिफ्ट का
वो करवाना चाहिए। पीरियडिक मतलब एवरी 3 मंथ्स तो ज़रूर होना चाहिए जो भी लाइसेंस एजेंसी है। पॉइंट नंबर 3 में आता है कि आपकी लिफ्ट में ARD ज़रूर लगा होना चाहिए। ARD मीन्स ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी पावर फेलियर होता है तो लिफ्ट जब बीच में स्टक हो जाती है तो ऑटोमेटिक लेवल पे आके उसका डोर ओपन हो जाता है, किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन हो जाता है तो वहाँ से जो भी पैसेंजर्स हैं वो निकल सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कि लिफ्ट में जो फ़ैन होते हैं और इमरजेंसी लाइट होती है वो वीकली बेसिस पे जो भी ऑपरेटर है वो चेक करें और वो काम करते होने चाहिए। फ़ैन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लिफ्ट बीच में स्टक होती है या फिर नॉर्मल रूटीन में होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अंदर अगर आपके उसके फ़ैन नहीं चल रहे होंगे तो। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि ट्रेनिंग ऑफ सपोर्ट स्टाफ या लिफ्ट ऑपरेटर जो कि उस लिफ्ट को मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं उसको, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनको ट्रेनिंग उस तरीके से होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं लिफ्ट रुक जाती है या कोई फायर होता है तो उस केस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, किस तरीके से पैसेंजर्स को निकाला जाएगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में। तो दोस्तों ये थे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिफ्ट सेफ्टी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।